नमस्कार दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, अवचेतन मन की शक्तियाँ, इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया होगा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें और करते हैं जिससे आपको आपके जीवन में बड़ी सहायता मिले। देखिए, प्रकृति के कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हर जगह हर किसी पर लागू होते हैं, चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी मजहब, किसी भी जेंडर के हो, ऊंचे हो या छोटे हो, लंबे हो या गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, लेकिन कुदरत के लिए नियम हर जगह हर किसी पर लागू होते हैं। जैसे सपोज अगर आप एक 10वें माले की मंजिल पर खड़े हो जाओ और छलांग लगा दो तो आप जमीन की तरफ ही गिरोगे। आप चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी हो आप, क्योंकि कुदरत का नियम है। तो इसी तरह से अब चेतन मन के नियम है, सबकॉन्शियस माइंड के भी नियम है, रूल्स है, वो हर जगह काम करते हैं। जो भी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गई ना, एक बार बैठ गई ना, वो सच हो जाएगी। ये कन्फर्म, ये पक्का है। अभी सबकॉन्शियस माइंड की पावर कैसे हम यूज करें अपनी लाइफ में, तो इसे हम जितना ज्यादा समझेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो क्या होना चाहिए, हमारे अंदर किसी भी चीज को पाने की एक लगन होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। जिस चीज के लिए हमारे अंदर जुनून होता है ना, लगन होती है, वो चीज हमें मिल जाती है। किसी को अमूल बनने का जुनून है, बिच बनना चाहता है, किसी को बॉडी बनाने का जुनून है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को फिल्म एक्टर बनना है, किसी को स्पीकर, किसी को राइटर। तो ये जो जुनून क्या होता है, ये रात दिन हमारे मन में एक सपने की तरह पलता रहता है। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जितना ये जुनून, जितना ये पागलपन आपके लक्ष्य के प्रति आपके मन में रहेगा, उतनी तेजी से ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसती चली जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या समझता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है कि पर्सन एग्जैक्टली क्या चाहता है। अगर आप एग्जैक्टली उसको मैसेज भेज दो ना कि सचमुच आप क्या चाहते हो, कौन सा सपना आप सचमुच देखते हो, जितनी क्लियरिटी होगी आपकी, आपके गोल के बारे में, क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा कर देगा। उसमें गजब की ताकत है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो क्या होता है, क्लियरिटी ही नहीं रहती। हमें करना क्या है, ये क्लियरिटी होते होते हम काफी उम्र दराज हो जाते हैं। बहुत लंबे समय के बाद हमें क्लियर हो पाता है कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली। तो बस एक बार आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर दो, सबसे पहले तो क्या है, टारगेट को सेट कर लो कि एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको। फिर अपने अंदर एक जुनून पैदा करो, पागलपन पैदा करो कि मैं अपने लक्ष्य को पाकर ही मानूंगा। फिर क्या करो, उससे रिलेटेड चीजें इकट्ठी करो, तस्वीरें, यूट्यूब पर वैसी क्लिप्स देखो, वैसे पोस्टर्स, वैसे पिक्चर्स अपने दिमाग में बसा लो, अंतर्मन में समाचार ले, और बार बार ये क्लिप बनाओ, वीडियो क्लिप, कि आपने उस काम को कर लिया है। जस्ट यू हैव टू फील दैट, आपको उसे महसूस करना है, और ये जुनून, ये पागलपन आपको महसूस कराएगा। देखिए, जिन्हें फिल्म एक्टर बनना रहता है ना, आप बड़े बड़े फिल्म एक्टर की बायोग्राफी पढ़ो या सक्सेसफुल पीपल की बायोग्राफी पढ़ो, वो अपने सफलता को हासिल करने के पहले ही उस सफलता का आनंद ले चुके होते हैं। वो इतने डूब गए होते हैं अपनी सक्सेस में, अपने टारगेट में, अपने गोल को अचीव करने में, कि वो बार बार 24 घंटे उसी धुन में डूबे रहते हैं, और वो उस आनंद को कई बार महसूस कर चुके होते हैं। अगर आपने अपनी सफलता के आनंद को सफलता पाने के पहले ही महसूस कर लिया, तो निश्चित ही आप सफल बन जाओगे। देखिए, दोबारा बोलता हूँ इन पंक्तियों को, आप ध्यान से सुनना। अगर आपने अपनी सफलता के आनंद को सफलता के पाने के पहले ही महसूस कर लिया, तो फिर आप निश्चित सफल हो जाओगे। यदि कि आप जिंदगी में वो ही चीज पा सकते हो जिसे आप ठीक इसी समय और अभी महसूस कर सकते हो, चाहे भले आपने वो चीज पाई हो या ना पाई हो, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप किसी चीज को फील कर सकते हो ना, तो फिर आप उस चीज को पा सकते हो, और अगर आप फील नहीं कर पा रहे तो फिर आप पा भी नहीं सकोगे। फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप फील करना चाहते हो तो आप फिर उस चीज को पाने में कामयाब हो जाओगे। बस इतना ही करना है आपको, अपनी सफलताओं को सफलता पाने के पहले ही महसूस कर लेना, उनका आनंद ले लेना, उनका अनुभव उतार लेना, फिर आप जीत जाओगे, फिर आप कामयाब होगे,
फिर अवचेतन मन की शक्तियां आपके अंदर से प्रकट होकर काम करने लगेगी। बातें बड़ी छोटी छोटी और बड़ी आसान है, लेकिन अगर आप यूज करोगे तो किसी चमत्कार से कम रिजल्ट नहीं देंगे आपको। आप करके देखना और कुछ ही दिनों में देखना आपको वो बेहतर परिणाम मिलने लगे जिनकी बरसों बरसों से आप उम्मीद कर रहे हो। सफलता मिलने के पहले ही सफलता के आनंद को महसूस करना, बस इतनी सी बात और इतना ही सोच। अगर मेरी बातें, मेरे वीडियो, मेरे ऑडियो आपको अच्छे लगते हो तो जरूर लाइक कीजिए, थम्स अप का बटन दबाकर कमेंट कीजिए बेशकीमती, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।